नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब हम लगातार पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट छूट, जिसका आज हम पार्ट 6 करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अंकित मूल्य MRP क्रय मूल्य CP से कितने प्रतिशत अधिक होगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। मैंने इससे पहले जो पार्ट 5 कराया था उसमें कुछ होमवर्क दिया था, उसका जो सही जवाब दिए हैं सबसे पहले उनके नाम इस प्रकार हैं। आप अपने नाम देख सकते हैं, अगर पहले तेज आंसर दिए हैं तो आपके नाम इसमें ज़रूर होंगे, और उनको भी बधाई जिनको मैंने नाम स्लाइड में नहीं डाला है। चलिए शुरू करते हैं, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइप 1 में क्या सीखा था, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ होता था अंकित मूल्य मतलब MRP, और छूट दिया होता था 1, 2, 3, 4, 5 जो भी डिस्काउंट दिए हुए होते थे, और हमसे पूछा जाता था कि ये बताइए SP कितना होगा, तो हम इस फॉर्मेट में उसे बनाते थे, आपको याद होगा। टाइप 2 में हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर हमें MRP नहीं देता है, अंकित मूल्य बोलता है निकालिए आप बताइए, पर हमें डिस्काउंट देता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितने बार भी दे तो हम डिस्काउंट को वहाँ लिखते हैं कम करके, डिस्काउंट मतलब कम करके, आप सीख चुके हैं। और यहाँ पे हमें SP दिया हुआ होता था, तो ये भी हमने पढ़ लिया है कैसे निकालते थे MRP यहाँ पे, ठीक है। टाइप 3 के अंदर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, तो हमें क्वेश्चन में MRP दिया हुआ होता था, डिस्काउंट एक बार दो बार दिया होता था, और एक बार डिस्काउंट नहीं दिया हुआ हो, मान लो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि तीन बार छूट दिया गया है, एक बार कितना बता दिया, दूसरे बार कितना बता दिया, पर तीसरे बार नहीं बताया है, तो उसे हम 100 - x / 100 करके बनाते थे, और यहाँ पे SP हमें पहले दिया हुआ होता था, तो हम यहाँ से छूट निकाल लिया करते थे, ठीक है। तो टाइप 3 में हमने ये पढ़ा है। टाइप 4 में हमने क्या पढ़ा है, टाइप 4 में हमने पढ़ा है कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करिए, हमें 2 से 3 बट्टा दे दिया जाता था, जैसे बोल दिया जाएगा 30% एक बट्टा, दूसरा है 50%, इसके समतुल्य एक बट्टा निकालें, तो मैं कैसे निकालते हैं आपको टाइप 4 में पढ़ा चुका हूँ। टाइप 5 के अंदर हमें अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ होता था, हमें बताता था कि इसका विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, छूट दिया हुआ होता था, और लाभ का प्रतिशत हमें दिया हुआ होता था, और हमें पूछा जाता था कि ये बताइए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, तो हम इसे 100 मान लेते थे, मान लो यहाँ पे 110 आया, तो हम बोलते थे कि ये 100 है और ये 110 है, तो 10% का क्या होगा, लाभ होगा। ये हमने पढ़ा है टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 6, तो चलिए ये एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। आपको जो भी चैप्टर होते हैं उसके क्वेश्चन के पैटर्न माइंड में होने चाहिए कि किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन टाइप 6 क्वेश्चन ये बोल रहा है, कोई दुकानदार अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, और 8% का लाभ मिल रहा है उससे, और हमसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य मतलब MRP क्रय मूल्य मतलब CP से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो बनाना कैसे है, आपको पता है कि अगर हमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हम इसे कितना मान सकते हैं, 100, ये तो आप जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। चलो देखते हैं, तो ये है हमारा क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है तो मुझे लाभ कितने प्रतिशत का है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं लाभ हो रहा है 8% का। इसका मतलब 100 से 8 ज़्यादा, 100 में 8 ज़्यादा, 100 में 8 का लाभ हो गया। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे हमें विक्रय मूल्य का भी नहीं पता है, तो विक्रय मूल्य को मैं एक्स मान लेता हूँ। एसपी को क्या माना मैंने, एक्स। और बोला गया है कि इसके अंदर जो छूट दिया जा रहा है वो कितने का है, 10% का है, ठीक है। तो छूट आपको पता है, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 में 10 कम, मतलब चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं 100 था, 100 में 10 कम मतलब कितना, 90, या डायरेक्ट 9/10 भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये हमने माना, विक्रय मूल्य हमें निकाल लेना है, उससे हमें ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा हमें, तो हम देख लेंगे इससे वो कितना ज़्यादा हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। बात समझे, सीपी लाभ 8% का, विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है उसको हमने x मान लिए हैं, और यहाँ पे छूट हमें बोला गया है कि 10% का छूट है, मतलब 100 में 10 कम करना है, 10 कम देना है। तो चलो देखते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो बचता क्या है, यहाँ x बराबर क्या आता है, इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ तो ये आ रहा है 120। ये x क्या था, तो x था मेरा विक्रय मूल्य, कितना आया 120, और मैंने खरीदा कितने में है, 100 में। ध्यान दो, ये 100 में खरीदा था और 120 में मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ जाने में कितना ज़्यादा है, खरीदा 100 में, बेचा हूँ 120 में, इसका मतलब 20 का मुझे क्या होगा, लाभ होगा, या 20 अधिक लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन में, एमआरपी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देख लो यहाँ पे कितना होगा, 20 अधिक होगा, ये 100 है और ये 20 है, मतलब इसका अंतर कितना आएगा, तो अंतर आएगा 20% का, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 20% देखो ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सरल सी बात है, छोटा सा चीज़ है, उसको हमें कंफ्यूज करता रहता है, ठीक है, क्लियर है बात, बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब थोड़ा तेज बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए बनाना शुरू करिए जल्दी तेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कोई दुकानदार को अपनी चीज़ों की लागत, लागत से लागत मतलब सीपी, लागत मतलब सीपी, ध्यान रखो, से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी रखना चाहिए, कि वह वस्तु 12% छूट देने के बाद भी 32% का लाभ प्राप्त कर ले। सेम चीज, सीपी मैं 100 मान लेता हूँ, अगर सीपी 100 है तो मुझे देखना इसमें लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे लाभ हो रहा है सर कितने का, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 32% का, इसका मतलब 132/100, 100 की चीज में 32 रुपए का लाभ हो गया। ओके, बेचा कितने में जा रहा है, मतलब एक्स, बेचा कितने में जा रहा है, एक्स, और इसमें छूट क्या दिया जा रहा है, तो छूट हमें मिल रहा है इसके अंदर 12% का छूट मिल रहा है, मतलब 100 से 12 कम मतलब 88, बस सॉल्व कर दो आंसर आ गया, ये 100 से 100 कट, ठीक है। इसको और काट लेते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, और 11 दूनी 22, 2 एकम, और ये 50, मतलब x की वैल्यू क्या आई, तो x बराबर 5 दिया 15, 150। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने खरीदा 100 में
मतलब क्रैमूल कितना 100, और कितना ज़्यादा है 100 से, तो आप बोलोगे इससे 100 से 150 जो है कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, मतलब 50% क्या है अधिक अंकित किया है। ठीक है, बोला ना कितना ज़्यादा, तो 50% हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गए कहाँ से आया, इन दोनों को हमने कंपेयर किया है, इसको और इसको, तो कितने का है 50 का अंतर है। इतना सरल सी बात है, ठीक है, पर एग्ज़ाम में आप छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम सरल है ये। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान से रखना। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ सारे एक या दो बार एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने इसको छांट के लाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, जो नए हैं मैं उनको बोलूंगा कि पार्ट 1 से देखें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, जो उसका एमआरपी था उस पर छूट दिया हुआ है 10% का। ठीक है, ओके, हमें एमआरपी तो पता नहीं है, ओके। 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रयमूल्य से कितना अधिक अंकित करे, मतलब एमआरपी जो है क्रयमूल्य सीपी से जितने में खरीदा है उससे कितना ज़्यादा हो लिखे। समझ रहे हो ना, अंकित मूल्य 10% छूट दे रहा है, एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 17% का उसको लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए वह वस्तु को क्रयमूल्य से कितना ज़्यादा अधिक लिखे, मतलब एमआरपी कितना बढ़ा के लिखे। सेम चीज़ है, कोई अलग बात नहीं है। आप क्या करिए, सीपी 100 ले लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया 100। अब मुझे देखना है कि लाभ कितना, तो दिख रहा है इसमें 17% का लाभ है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 17 रुपये बढ़ा के लिखना है, ओके। एमआरपी तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो उसको एक्स मान लेते हैं। अब इस पर डिस्काउंट दिया गया है, कितने का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 9/10। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो 100 रुपये की चीज़ है 90 रुपये में बेच रहा है, 10 का छूट मिल गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 100 से 100 कट जा रहा है। ठीक है, इसको आप काटेंगे 9 एकम 9 तीन बार में, और जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 130। 100 की चीज़ थी, 130 लिखा जा रहा है, इसका मतलब कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 30% का अंतर, और यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन ए। एक लाइन का आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बुक खोल के देख सकते हैं, 2012-2014 बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक दो बच्चे कमेंट किए हुए हैं मुझे कि सर डिस्काउंट का जो पार्ट 2 है उसमें ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है कि 16 सही 2/3 के बदले में आप डायरेक्ट 1/6 लिख देते हैं, कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत का पार्ट 1 से आप देखना शुरू करिए, ये चीज़ मैं प्रतिशत के पार्ट 2 में पढ़ाया हूँ। अच्छा ये होगा, पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़िए, उसके बाद परसेंटेज को पढ़िए, ऐसे करते करते आप आगे चीज़ों को पढ़ते जाइए तो सब चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हम पिक्चर देखने जाते हैं तो शुरू के अगर 15 से 20 मिनट छूट जाए, उसके बाद हम जाते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कौन किसका भाई है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कुछ नहीं पता चलता है ना। उसी तरह हर एक चीज़ है, आप स्टार्टिंग से चीज़ों को सीखेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसी वस्तु को 10% छूट दिया जाता है, 8% का लाभ पर उसको बेचने में अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि की जाए। सीधी सी बात है, हमें पूछा जा रहा है कि क्रयमूल्य से जो अंकित मूल्य लिखा जा रहा है, एमआरपी लिखा जा रहा है, उसको कितना बढ़ा के लिखा जा रहा है। छोटी सी चीज़ है, आपको पता है कि अगर हमें सीपी नहीं पता है तो 100 मान सकते हैं उसे, तो ये हो गया 100। लाभ कितने का है,
तो आप देखोगे बोल रहा है 8 का लाभ है, मतलब यहाँ आने वाला है 108 और नीचे 100, 100 से 8 ज़्यादा बराबर। यहाँ एक्सिस को माना हूँ मैं एमआरपी को, इसमें डिस्काउंट देना है कितने का, 10% का डिस्काउंट देना है, तो 10 का डिस्काउंट देंगे तो 9/10 या 100 नीचे 100 ऊपर 10, मतलब 100 में 10 कम कितना आएगा, 90 बटा 100। या इस चीज़ को मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है कि 10% किसे बोलते हैं, 1/10 को बोलते हैं, प्रतिशत में पढ़ाया हूँ, उसी की बात कर रहा था अभी मैं। कम करना है तो इसको घटा दो, 10 में से 1 गया 9/10, इससे क्या होता है काटपीट कम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9/10 भी लिख सकता था, बात समझ रहे हैं, वही चीज़ है। चलिए आते हैं, इससे ये कट गया और क्या कर सकता है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर यहाँ हो जाएगा 120। 100 यहाँ पे था, लिखा कितना गया है 20 ज़्यादा लिखा गया है, 120 हो गया है ना, तो लिखा कितना गया है ज़्यादा, 20 ज़्यादा लिखा गया है, तो ये 20% इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एनटीपीसी का डेट एग्ज़ाम का डिक्लेयर हुआ है, दिसंबर में होने वाला है, एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप तसल्ली से पार्ट वन से पढ़ते जाइए, वो मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और इस बीच में जो बहुत सारे लोग पढ़े नहीं हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए भाई, एग्ज़ाम होंगे अभी सब, है ना, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में मैं इसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 16% का छूट देने पर भी 5% का लाभ मिल जाता है, ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, सेम कुछ नया नहीं है, सीपी 100, अब ये सब बार बार लिखना नहीं है, माइंड में सेट हो जाना चाहिए, तो ये 100 मुझे लिखना है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, ये तो डिस्काउंट है, ये है प्रॉफिट, 5% का लाभ, मतलब 100 का चीज़ था 5 ज़्यादा कर दो उसको, 5 का लाभ हो गया, ठीक है, बराबर। एक्स क्या है, एमआरपी है, यहाँ पे इसमें हमें छूट देना है, एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है, 16% का छूट देना, मतलब 100 से 16 रुपये कम लिखना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 84, ये देखो ये तो कट ही जाता है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काट लेते हैं, पहले 2 से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ हो रहा है 4 और यहाँ हो रहा है 2 और यहाँ हो रहा है 50, ये और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए 3 से कट रहा है, 3 × 7 = 21 और 3 से काटते हैं तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, x बराबर हमारे पास बच गया यहाँ पे 35 और ये ऊपर होके गुना हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, 7 × 7 और 7 × 5 = 35, और जब इन दोनों को गुना करता हूँ कुछ गड़बड़ हुआ है, 75 कहीं गड़बड़ हुआ है, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है 16% का छूट है और 5% का लाभ है, ओके ठीक है, 100 5 का लाभ मतलब 105/100 बराबर x इंटू हमें डिस्काउंट दिया है कितना 16 का, मतलब 100 से हम 16 कम लिखेंगे, मतलब लिखेंगे यहाँ 84, ठीक है, ये तो कट गया, ओके। अब देखते हैं तो 8 × 4 = 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं तो ये होता है 3 × 2 = 6, यहाँ बच गया 2, 3 × 8 = 24, 3 से काटते हैं तो ये हो गया 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, ठीक है, 5 × 3 = 8 ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 7
और ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ फिर कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, ठीक है। चलिए, पहले भी हमने सही किया था, तो x बराबर हमारे पास आ गया 25 गुणित 5। जब मैं इनका गुणा करता हूँ तो x बराबर आ जाएगा 125, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 100 की जो चीज़ है कितना, 125 में हमने लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है। तो आप बोलोगे सर इसको सिर्फ ज़्यादा लिखा गया है 25%, तो 25% हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर। क्लियर है? ओके, जो नए लोग हैं उनके लिए काम की बात बताता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने NTPC का फॉर्म भरा है तो तसल्ली से उसको पढ़िए, बहुत सिंपल पेपर आता है। देखिए, मैथ 35-30 का, ओके, रीजनिंग मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, 35 या 30 का होता है ये, या तो 35 क्वेश्चन होते हैं या तो 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में भी सेम 30 या 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 60 या 70 नंबर तो आपको यहीं से कवर हो जा रहे हैं। अब बचता है GK GS, करंट अफेयर, वो बचे हुए 40 या 30, थोड़ा देख लेना एक बार, मेरे को ध्यान से निकल रहा है, ठीक है, 40 या 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपकी इसमें कमांड है और थोड़ा ठीक से अगर आप पढ़ते हैं, GK करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आराम से। आप टारगेट करिए 85 नंबर मिनिमम लाने का, इतने में आपका मेरिट में आ जाएगा नाम। तो बहुत इजी होता है, और पढ़ने का जो तरीका है, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ मैथ के बारे में स्पेशली, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से, ठीक है। उसके बाद पढ़िए परसेंटेज, उसके बाद पढ़िए प्रॉफिट लॉस, ठीक है, उसके बाद पढ़िए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। उसके बाद आइए, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले करिए, उसके बाद आइए प्रॉफिट लॉस में, और प्रॉफिट लॉस के बाद पढ़िए डिस्काउंट, जो हम पढ़ रहे हैं। इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ आएगी। आप शुरू करेंगे डायरेक्ट डिस्काउंट से और चाहेंगे कि आपको चीज़ें आ जाएं, तो नहीं आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें ये प्रतिशत वगैरह से क्लियर होगी। जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ कभी कभी कि 1/7 को लिख देता हूँ 14.0 ऐसे करके लिख देता हूँ, है ना। तो आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर से क्लियर होने वाली हैं, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सिक्वेंस से पढ़िए, अभी समय है, आराम से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। और मैं भी अभी रूटीन में क्लास लेने वाला हूँ, तो पहले ही मैं 4-5 चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ। डिस्काउंट के 2 पार्ट और रह गए हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे कल, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, LCM SCF से शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, तो अच्छे से बढ़िया से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारी वैकेंसी अब आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 6-7 महीनों से सारी वैकेंसियाँ रुक गई हैं, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से फिर से सारी जितनी भी ओपन भर्तियाँ रैलियाँ रुकी पड़ी हैं सारी होने वाली हैं, तो आप लग के तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फास्ट आंसर दीजिएगा। कल हम इसके 2 पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 7 और पार्ट 8, उससे बाहर डिस्काउंट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद करते हैं तो उसे लाइक भी करिए, दोस्तों तक फैलाइए। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।